Hello everyone, this is Neha. I welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, आज हम लोग discuss करने वाले हैं lesson 5 को इस ongoing session में, video session में, spoken English के बारे में. तो इस 5th lesson में मैं आपको आज बताने वाली हूँ about the sentences which we use in our day-to-day life in simple. सिंपल लाइफ में हम अपने डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस इजीली यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी और दैट विल बी बेसिकली इन प्रेजेंट. वो सारे जो सेंटेंसेस मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सभी के सभी प्रेजेंट में होंगे. मींस आई कैन से इट विल बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट, ये टेंस टर्म जो है वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप टेंस को इग्नोर भी कर सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट मतलब द सेंटेंसेस विच वी विल स्पीक दैट इज गोइंग टू बी इन प्रेजेंट. वो हमेशा प्रेजेंट में होगा. और ये हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं वर्ब के फॉर्म से या फिर हमारे सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब की मदद से. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ. आई टीच इंग्लिश. देखिए ये जो सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. देखो यहाँ पे डूअर, इस सेंटेंस में डूअर कौन है? टीच करना इज़ अ वर्क, ओके. और इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम हो गया. और आई कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाती हूँ. तो ये आई जो है ये सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज द डूअर इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. डूअर का मतलब, डू मतलब होता है करना और ई आर लगा दिया तो करने वाला. तो यहाँ पढ़ाने का काम करने वाला कौन है भाई? आई है, इसलिए आई हो गया सब्जेक्ट. टीच पढ़ाना, पढ़ाना एक काम करना हुआ, तो ये हमारे लिए हो गया वर्ब. और इंग्लिश क्या हो गया हमारे लिए? ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, बिकॉज इस जो ये एक्शन हो रहा है, टीचिंग का जो एक्शन हो रहा है वो एक्चुअली हो किस लिए रहा है? इसी के ऊपर हो रहा है. क्या पढ़ाया जा रहा है भाई? मैथ्स पढ़ाया गया, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है. अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर लें तो हो जाएगा, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ. सॉरी, देखिए इस सेंटेंस में अब आप देखोगे क्या होता है ना, हम जनरली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को जब हम बोल रहे होते हैं या फिर लिख भी रहे होते हैं तो. लेकिन हर बार आपको ट्रांसलेट आपको तभी तक करना है जब तक आप इसके लिए यूज टू नहीं हैं. व्हेन यू आर यूज टू दिस आप उसी में सोचना शुरू कर देंगे. तो देखिए थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है ये. जैसे मैं, आई, अब इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ देखोगे आप ना कि आपका जो वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, वो हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो जाता है. लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट तो है शुरुआत में ही, लेकिन हमारा जो एक्शन वर्ड है वो लास्ट में आ जाता है. जैसे आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में देखिए, मैं, सब्जेक्ट तो एज इट इज़ इसी जगह पे है, लेकिन दूसरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ आ गया इसकी जगह पे, और ये हमारा वर्ब चला गया इस जगह पे. पढ़ाती हूँ, हूँ को भी मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है बिकॉज हूँ जो है ये बताता है सेंटेंस के प्रेजेंट में होने के लिए. नहीं तो यहाँ पे हो जाता थी, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, ठीक है. हिंदी में हम उसे थी अगर जैसे ही करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा. तो ये जो थी या हूँ ये आता है, ये क्या करेगा? ये हमें बताएगा कि जो वर्क हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है. वो अभी हुआ है मतलब अभी होता है, प्रेजेंट में होता है या फिर पास्ट में हुआ है. देखिए दूसरी बात एक और है, जो भी जब भी आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बोलेंगे वो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हमेशा ही एक हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं. जैसे अगर मैं कह दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इट डजेंट मीन दैट आई डू इट ऑन हैबिचुअल बेसिस. मैं रोज़ ऐसा करती हूँ ऐसा नहीं हो सकता है. लेकिन अगर ये कह दे कि मैं ऐसा करती हूँ, इसका मतलब है कि रोज़ तो नहीं लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डू इट. रेगुलर बेसिस पे इसे किया जाता है. जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. अगर ये कह दे सूरज पूरब से निकल रहा है, हो सकता है इसका मतलब है कि आज निकल रहा है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं. किसी और दिन किसी और तरफ से निकला होगा या निकलेगा.
लेकिन अगर ये कहा जाए सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइज होता है ईस्ट से, इसका मतलब है इट इज़ अ रेगुलर थिंग, ये रेगुलर होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये डेली बेसिस पे होता है या रेगुलर बेसिस पे। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपकी जो कि आप आदतन करते हो, हमेशा करते हो उस चीज़ को, ठीक है, चाहे वो आप साल में एक बार कीजिए, मंथ में कीजिए, एक दिन में एक बार कीजिए, एक दिन में चार बार कीजिए, इट शुड बी हैबिचुअल, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शंस को बताता है एंड इट डज नॉट टेल अबाउट द एक्शन विच हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ये एक्शन कम्प्लीट होता है ऐसा भी नहीं बताता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में यही फ़र्क होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, दूसरा सेंटेंस है राधा, राधा वर्क्स फॉर एन MNC। राधा वर्क्स फॉर एन MNC, MNC का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी, M से मल्टी, N से नेशनल, C से कंपनी। तो राधा है हमारे लिए सब्जेक्ट, राधा काम करती है, नौकरी करती होगी, सर्विस करती होगी वहाँ पे फॉर एन MNC, एक MNC के लिए। तो देखो MNC क्या है, एक जगह का नाम है, लेकिन सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह पे है, अब सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे है। काम किसने किया है, राधा ने, तो ये हमारे लिए सब्जेक्ट है। और ये क्या हमारे लिए वर्ब है, बिल्कुल यही हमारे लिए वर्ब है। और ये सिंपल सेंटेंस है, देखो अब फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें मैंने लिखा था आई टीच, आई के साथ ES या S ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आई को छोड़ के आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगल है, सिंगल मतलब एक अकेला, और फर्स्ट पर्सन का मतलब कि जो खुद के बारे में बात करता है, जैसे मैं अभी कहूँ आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रही हूँ, अपने बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और साथ ही साथ क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ इसलिए आई एम द फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे राधा जो है वो थर्ड पर्सन में होगा, वो सिंगल है इसलिए ये वर्क्स लगा है, थर्ड पर्सन सिंगल, आपको इतना नहीं सोचना है। अब राधा आप बोलोगे तो आपको ऐसे ही पता है कि भाई जिसके बारे में मैंने बोला है वो क्या है, सिंगल है, राधा एक ही लड़की का नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, एक से ज़्यादा नहीं है ये लोग, तो ये सिंगल है। अब यहाँ इस सेंटेंस की अगर हिंदी करेंगे ट्रांसलेशन तो ये हो जाएगा, राधा एक MNC के लिए काम करती है, राधा एक MNC के लिए काम करती है। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ वर्ब आ गया, और इस सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब हमारे कहाँ आता है, काम करना, काम करती है, ये कहाँ आ रहा है, लास्ट में। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में ये चीज़ बताई थी कि हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो ये होता है कि इंग्लिश में हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा वर्ब होता है, जबकि हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है तो सब्जेक्ट के दूर आता है, लेकिन ऐसा एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। वो कंडीशन ये होती है कि जब सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो, जैसे मैं आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती, आई टीच, आई के जस्ट बाद आ गया वर्ब टीच, उसी तरह से मैं पढ़ाती, ये तुरंत आ जाएगा वर्ब। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल का मतलब ये हुआ आप सेंटेंस को चाहे तो जितना चाहे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उस सेंटेंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के साथ मिक्स कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं बोलना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत सारे जब सेंटेंसेस को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल नीड टू हैव अ प्रॉपर वकैब, आपके पास वकैब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही बनाइए, दैट इज़ प्रेफरेबल, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर लर्निंग, ऐसे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम लोग इसमें दूसरे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो भी प्रेजेंट के ही एग्जांपल्स होंगे, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस में हम लोग अब यूज़ करेंगे इज़ आर और एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस अगेन, इज़ आर और एम। देखिए इज़ आर और एम का यूज़ किसके किसके साथ करेंगे वो याद कर लेना है। जैसे इज़ का यूज़ हम करेंगे कोई भी नेम, कोई भी नाउन नेम होगा, अगर वो सिंगल होगा तो, इफ सिंगल,
इसका मतलब वो सिंगल होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे दूँ, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी एक नाम होगा तो उसके साथ इसका यूज़ कर देंगे। इसके अलावा कोई भी प्रनाउन जो सिंगल हो, मतलब इसका यूज़ हमेशा सिंगल के साथ होगा, लेकिन साथ ही साथ ये थर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल में इसके लिए लिख देती हूँ मैं, जैसे नाउन वर्ड्स में लिख सकते हैं राम, सीता, ही, शी, ये प्रनाउन वर्ड्स हो गए, इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए क्योंकि राम, सीता के अलावा आप जो भी नाउन वर्ड्स डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं। इज के अलावा फिर दूसरा यूज़ होता है आर। आर का यूज़ हम करते हैं नाउन के लिए भी, नाउन नेम्स, प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से जब ज़्यादा हो, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। इसके अलावा प्रनाउन के भी साथ यूज़ करते हैं। प्रनाउन में भी ये किसके साथ यूज़ होगा, जब प्लूरल हमारे पास होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं बॉयज़, इसके बाद दे, वी, यू। और अगर मान लो ये बॉयज़ तो एक कॉमन नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाएगा, जैसे कि राम, श्याम, सीता एंड गीता, अगर इन चारों का नाम मान लो साथ में आ जाएगा, अगर इन चार लोगों का नाम साथ में आता है, अगर मान लो एक सेंटेंस मैं फॉर्म करूं, राम, श्याम, सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स, राम, श्याम, सीता और गीता अच्छे दोस्त हैं, तब हम लोग आर लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ कह दे राम आर अ गुड बॉय, राम आर अ स्टूडेंट, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर नाउन वर्ड, जो भी नाउन वर्ड होगा उसके अलावा कोई भी दूसरा नाउन या प्रनाउन वर्ड आता है और वो दोनों एक साथ मिल करके एक सब्जेक्ट को बना देते हैं, वहाँ पे हमेशा आर को लगा देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं राजू एंड महेश आर फार्मर्स। राजू और महेश फार्मर्स हैं, राजू और महेश किसान हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आर जो है ये महेश और राजू दोनों के लिए आ रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, यहाँ एंड से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अब इसके अलावा जैसे दो कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, मान लो कि आप अपने वर्क प्लेस पे हो एंड यू आर कॉलिंग समवन, ठीक है। तो आप कह सकते हो, मान लो आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा है जो अपना पूरा टाइम पास करते हैं, कुछ कोई ऐसा ग्रुप है, आप बोल सकते हो ना, मान लो हीरा मीरा राम आर ऑलवेज बिजी इन टॉकिंग, हीरा, राम और मीरा ये सभी बात करने में हमेशा बिजी रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमें समझना है वो है एम। एम का यूज़, एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है। एम का यूज़ किसी भी नाउन वर्ड के साथ नहीं होता है, किसी भी नाउन नेम के साथ नहीं होता है, एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई प्रोनाउन के साथ ही होता है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, आई एम अ टीचर। अब देखो एम का जो एग्जांपल है, ये सब छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ये तो आपको पहले से भी आते होंगे, लेकिन जैसे अगर हम लोग शुरू करते हैं जब चीज़ों को, तो हमें बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर स्टार्ट करना होता है। एम से ये बन गया सेंटेंस। इसके बाद यू आर अ कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है कायर, तुम एक कायर हो। दे आर सिंसियर, वे लोग सिंसियर हैं अपने काम को लेकर के। दे आर सिंसियर टूवर्ड्स देयर वर्क या फिर टूवर्ड्स देयर स्टडी। देखिए ये सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट था। कोई भी सेंटेंस छोटा जो होता है वो कंप्लीट होता है, आप चाहें तो उसमें अलग से एक्स्ट्रा वर्ड्स को डाल के सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। दे आर सिंसियर टूवर्ड्स देयर स्टडी। इस एग्जाम्पल को मैं चेंज कर देती हूँ एक नाउन के साथ। जैसे दे के लिए, दे एक प्रनाउन है, इसके लिए मैं नेम्स यूज़ करती हूँ अब, राम, राधा एंड मीरा आर सिंसियर। राम, राधा और मीरा सिंसियर हैं, या राम, राधा और मीरा स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट्स हैं आर स्टूडेंट्स दे आर सिंसियर टूवर्ड्स देयर स्टडी। राम राधा और मीरा ये सभी विद्यार्थी हैं और ये सभी अपनी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर हैं, सजग हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, यहाँ राम राधा और मीरा ये जो तीन नाउन नेम्स आए हैं इन्हें रिप्लेस हम कर सकते हैं एक प्रोनाउन वर्ड दे के साथ, ठीक है। तो ये जो दे है ये इसे रिप्लेस कर देगा इजीली। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जनरली हम क्या करते हैं इज आर एम को हम ऐसा समझ के चलते हैं कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस में उसका यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। आप सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस बोलते हैं किसी के बारे में सिर्फ बताने के लिए, व्हेन यू आर नॉट टेलिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज डन बाय द पर्सन, यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट द पर्सन आइडेंटिटी स्टेट, जैसे ही इज माई बॉस, दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज़ द टीम ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो टीम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। दीज आर द लिस्ट ऑफ द नोन बैंक्स इन आर कंट्री, ये हमारे देश की जानी मानी जो भी बैंक्स हैं उनका लिस्ट है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इज आर एम को ही लेकर के बनाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टेट को बताते हैं, किसी चीज़ की स्थिति को बताते हैं। इट डज़ नॉट टेल अबाउट एन एक्शन डन, ठीक है, किसी भी तरह के एक्शन के होने के बारे में ये नहीं बताते हैं। तो इज आर एम ये तीनों जो हैं इनका बिल्कुल सिंपल वे में यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने पहले सेंटेंस बताया था, जैसे आई टीच, शी वर्क्स फॉर एन MNC, वो एक MNC के लिए काम करती है। अब अगर मान लो वो सेंटेंस मुझे चेंज करना है, मुझे नेगेटिव में बनाना है, मुझे नो लगा देना है उसमें, तो उस सेंटेंस में बस आपको कर देना है जैसे आई टीच, इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, ये हो जाएगा डोंट, ठीक है। मतलब आपका जो वर्ब है वर्ब के जस्ट पहले डोंट वर्ड लग जाएगा या डू नॉट लगा देंगे। अगर वर्क्स है मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो वर्ब होता है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है और टेंस के अकॉर्डिंग भी। तो जिस टेंस में हमने सेंटेंस को बनाया है, हर टेंस में सब्जेक्ट के साथ आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से जैसे डोंट लगा दिया है, उसी तरह जहाँ वर्क्स है वहाँ डजंट कर देंगे, शी डजंट वर्क फॉर एन MNC। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमें मदद करते हैं ये स्टेट करने में, डिटरमाइन करने में कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस कहा गया है ये किस टाइम में कहा गया है, ये प्रेजेंट में कहा गया है या पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे इनसे फॉर्म करना है वो बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।